हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके सबके लिए लेके आया हूँ 100% हेडशॉट कॉन्फिग फाइल। मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखते तो आपकी आईडी बैन हो सकती है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और पासवर्ड मैंने कभी लिख के नहीं दिया, सिर्फ मैं वॉइस में दे रखा हूँ इसमें पासवर्ड। तो आप जोर से देखेंगे वीडियो को, और कोई भी कमेंट में पासवर्ड नहीं बताएगा। वीडियो देख लो कैसे डाउनलोड करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में दो लिंक या एक लिंक मिल जाएगी, आपको खोलना है और डाउनलोड प्रोसेस आ रही है। दो मिनट तो आपको क्या कर लेना है, मैं लिंक खोलूंगा मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको खोल लेना है। 25 सेकंड वेट करना है, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को। तो ये हो गया है, हमको क्या करना है, नीचे जाना है। तो नीचे आएगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं बोल रहा हूँ वीडियो को अच्छी तरीके से देख लो, ये बार बैक करना है और फिर आप आ जाओगे इस वाले पे। आपको आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है और फिर रुक जाना है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको नीचे आ जाना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। मैं बोल रहा हूँ वीडियो पूरी देखना, वरना आपकी आईडी बैन हो सकती है, ये गारंटी मैं देता हूँ। अगर आप वीडियो पूरी देखते हो तो आपकी आईडी बैन नहीं होगी और कॉन्फिग फाइल भी वर्क करेगी। देखो एक बार बैक कर लेना है, फिर ये आएगा नेटफ्लिक्स फ्री ट्रायल, इस पर एक बार क्लिक करना और वापस एक बार बैक कर लेना। और नीचे नहीं जाना, गेट लिंक पे क्लिक कर देना है आपको, फिर वापस बैक हो जाना। आपके देखो डाउनलोड फाइल चल रही होगी, तो मैं भी इंतज़ार कर लेता हूँ इसके डाउनलोड होने का। ये वैसे मेरी कॉन्फिग फाइल नहीं है, मैं बताया था अपने पिछले वाले वीडियो के अंदर। ये मैं यूट्यूबर से ले लेता हूँ, जिन जिन की वर्क करती है सिर्फ उनकी देता हूँ आपको। ऐसे फेक तो बहुत मिलेगी, मैं कोड रीडर हूँ जिसके कारण मैं इन सबका कोड रीड करके बता सकता हूँ कौन सी कॉन्फिग फाइल वर्क करती है और कौन सी नहीं करती। और ये वाली भाई की स्ट्रॉन्ग नहीं, 100% वर्क करती है बिना आईडी बैन की। तो ये डाउनलोड हो रही है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अप्लाई प्रोसेस देख लेना, चाहे से आप डाउनलोड प्रोसेस ना देखो। आपको इसको ZRC1 में खोलना, देखो नीचे ZRC1 लिखा होगा उसमें खोलना है, Extract 2 में नहीं खोलना है ना, ZRC1 में खोल लेना है इसको। मैं आपको अभी भी बताता हूँ, ये मेरी फाइल नहीं है, मैंने किसी यूट्यूबर से ली है। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेना है और अपना एक नया फोल्डर बनाना है, क्रिएट न्यू। मैं इसका नाम कर देता हूँ गेम ओवर। इसमें पेस्ट कर देना है। पासवर्ड मांगने का, तो पासवर्ड है MAWGAMMER। नो गेमर है इसका नाम, डबल एम नहीं आएगा, नो गेमर। ये एक्सट्रैक्ट हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रोसेस को करने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइस मेमोरी में जाना, डाटा में जाना है। और इधर आने के बाद ये फ्री फायर की फाइल लेना, आपको इस पर क्लिक करके रखना है, उधर से कट कर लेना है। कट करके आना है डाउनलोड में, जो आपने नया फोल्डर बनाया था ना, मेरा ये रहा फोल्डर। तो इसके मैंने जो फोल्डर बनाया इसके बगल में एक और फोल्डर बना लेता हूँ मैं, और इस फोल्डर का नाम करना है आपको बैकअप। आपको ध्यान रखना है उधर से आपको कट करना है, कॉपी नहीं करना। ये मेरी उधर फाइल पेस्ट हो जाती है, इसके बाद मैं बैक करता हूँ। और जो मैंने वो फाइल एक्सट्रैक्ट की थी ना थोड़ी देर पहले गेम ओवर में, उसको अपन यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करना है, कट नहीं करना है इस बार। तो बोल रहा हूँ ध्यान से देख लेगा, डाटा में आना है और इधर पेस्ट कर देना है, और ये फाइल पेस्ट होने लग गई। आप देख ही सकते हो MBOT STML हेड एम, मैंने हर जो चीज़ हो सकती थी वो चीज़ डलवाई है इसके अंदर। और आपको फिर बैक होना है, बैक होने के बाद अपन ने जो बैकअप फोल्डर बनाया था ना बैकअप नाम का, डाउनलोड के अंदर बैकअप, इसको खोलना है, इसकी फाइल्स में जाना है, फिर कंटेंट कैच में जाना है, कंटेंट कैच, और फिर इधर आएगा ऑप्शनल नाम का फोल्डर, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपन को डिवाइस मेमोरी में आना है, एंड्रॉइड में डाटा में इधर आना है, फाइल्स में कंटेंट कैच में, फिर इधर कंपल्सरी के नीचे पेस्ट कर देना है। मैं बोल रहा हूँ अगर आप ये प्रोसेस नहीं करोगे तो आपकी आईडी बैन हो सकती है। ये 100% हेडशॉट कॉन्फिग फाइल है, आपको अपनी सेंसिटिविटी 76 या 60 ऐसे कुछ रख लेना, ये डिफॉल्ट रहेगी तो भी चलेगी, पर आपको 80 से ज़्यादा नहीं करनी और 60 से कम नहीं करनी। और आप उस फायर बटन की साइज़ कितनी भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है आप कितनी रखो। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। आपको सेंसिटिविटी 90 से ज़्यादा नहीं रखनी है,
अगर आप सेंसिटिविटी मतलब जर्नल आता है ना जर्नल रेड डॉट के ऊपर, रेड डॉट तो 50 रखना है और जर्नल को आप 90 से ऊपर बिल्कुल भी मत कर देना। आपको मैं अभी भी समझा रहा हूँ, उससे आपके 100% हेडशॉट लगेंगे। उससे जैसे आप 90 से ऊपर कर दोगे ना इस फाइल के साथ, तो आपकी आईडी भी बैन हो सकती है, इसकी गारंटी हम नहीं देते। आपको क्या करना है, अपनी जर्नल या सेंसिटिविटी उसको 70 या 80 के बीच में रख लो भाइयों, उससे बढ़िया हेडशॉट लगेंगे। और आपको कुछ और भी चाहिए एंटीना की फाइल, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।